चलो फिर देख लेते हैं क्वेश्चन जो था हमारा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से है, ठीक है। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड्स एंड रेनफॉल ओवर इंडिया इन द समर मॉनसून सीजन, ठीक है। तो मेनली क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा सा हम लोगों को जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें जो कुछ ज़्यादा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर देना है। तो इसमें क्लियरली पूछा गया क्या कि विंड पैटर्न और जो रेनफॉल पैटर्न होता है इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम लोग को लिखना है, ठीक है, कि जो मानसून से विंड आता है, देन इंडिया में किस एरिया में कितना बारिश होता है, उसका क्या पैटर्न होता है, उसके बारे में लिखना है, सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर मिनिमम सपोर्ट, हाँ, व्हाट आर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो मेनली क्या एमएसपी को थोड़ा डिफाइन करना है, एमएसपी टाइप एग्जाम्पल, एमएसपी जो होता है वो कौन डिसाइड करता है, कितने प्रोडक्ट्स पे होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें, और उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है क्या नहीं होता है, बहुत ही मतलब सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, आगे चलते आंसर देखते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड इतना, द इंडियन समर मानसून और साउथ वेस्ट मानसून अकर बिटवीन जून टू सितंबर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज इट प्लेज वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी एक्सेट्रा, ठीक है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेंट्रल एंड वेस्टर्न एरिया रिसीव मोर रेनफॉल एज कम्पेयर टू साउदर्न एंड, ये गलत लिख दिया ना फिर, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे नॉर्दर्न वेस्ट ऑफ, देखो मेन क्या होता है इकोनॉमिक्स को, देखो हिस्ट्री में क्या होता है कि थोड़ा मोड़ा इधर हो तो चलेगा, पॉलिटी में भी थोड़ा मोड़ा इधर हो तो चलेगा, सोसाइटी सोशियोलॉजी के अंदर भी यही होता है कि थोड़ा मोड़ा इधर हो तो चलेगा, लेकिन क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर और ज्योग्राफी के अंदर जो फैक्ट्स होता है वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो तुमने लिखा है ना कि इस टाइम में क्या होता है कि जो हमारा साउथ, हाँ क्या लिखा है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एरिया रिसीव मोर रेनफॉल एज कम्पेयर टू साउदर्न एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये सही नहीं है बिकॉज कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट जो होता है इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश हमारा होता है, नॉर्थ वेस्ट में हो गया, ठीक है, वेस्टर्न घाट में हो गया, ठीक, जो साउथ में पड़ता है, और जो हमारा वेस्टर्न साइड हो जाता है, वेस्ट इंडिया होता है, वहां पे तो सूखा पड़ता है, वहां तो ज्यादा बारिश नहीं होता है ना, ठीक है, बिकॉज ऑफ अरावली, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फैक्चुअली गलत हो जाएगा चीज, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ तक सही है कि इकोनॉमी ये सब सही है, लेकिन ये चीज थोड़ा गलत हो जा रहा है यहाँ पे। इंडियन समर मानसून विंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये थोड़ा पहले आना चाहिए था। इन अरेबियन सी ब्रांच है इतना इतना रेनफॉल, नहीं, बहुत कुछ ऐड होता, जैसे बहुत सिंपल वे में लिख दिया, 200 वर्ड्स का, 200 वर्ड्स तो नहीं पूरा होगा, हार्डली 70 वर्ड्स होगा होगा, जैसे बहुत कुछ इंक्लूड करना था, जैसे एग्जाम्पल इंडिया में अगर मान लो साउथ वेस्टर्न घाट में बारिश हो रहा है तो क्यों हो रहा है बारिश वहाँ पे ज्यादा, ईस्टर्न घाट में क्यों कम हो रहा है, ठीक ना, राजस्थान में तो राजस्थान में क्यों मतलब कम है बारिश हमारा, फिर दिल्ली एरिया के आसपास होता है तो क्यों बारिश वहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही बोला था ना कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में जो रेनफॉल होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना था, सिर्फ यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ और साउथ करके छोड़ दिया तुमने, वो भी कहीं ना कहीं गलत ही है। तो स्टार्टिंग अच्छा है बट उसके बाद कंटिन्यू अच्छा नहीं हुआ। लेकिन वॉट आर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन एग्रीकल्चर, वॉट आर देर ऑब्जेक्टिव, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रॉमिस, ऐसा प्रॉमिस वर्ड नहीं होगा, ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रॉमिस वर्ड नहीं होगा, ठीक है, इंश्योर वो लिख सकते हैं बट प्रॉमिस ऐसा कुछ नहीं होता है, क्लियर है। तो कभी भी गवर्नमेंट के किसी भी स्कीम के बारे में इस टाइप का वर्ड यूज मत करें, गवर्नमेंट प्रॉमिस, ठीक है, इट प्रोवाइड लिख सकते हैं, इसको प्रोवाइड लिख सकते हैं, ठीक है, तो प्रोवाइड ठीक होता है लेकिन प्रॉमिस वर्ड ठीक नहीं होगा। सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड एमएसपी इस प्राइस ऑन विच गवर्नमेंट बाय फ्रॉम फार्मर्स व्हेन दे सेल पर्टिकुलर क्रॉप व्हेन, नहीं क्वेश्चन शायद समझ में नहीं आया तुम्हें, ठीक है। तो मेनली क्या इसका जो फॉर्मेट बनता है ये बनता है ना, एमएसपी क्या होता है, कौन डिसाइड करता है और कितने क्रॉप पर डिसाइड करता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल 23 क्रॉप पर डिसाइड करता है, लेकिन कौन डिसाइड करता है वो यहाँ पर नहीं लिखा है, तो उसके बिना तो पहला पार्ट मेरा वही हो गया, ठीक है, एमएसपी क्या होता है वही पहला पार्ट मेरा वही है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्वामीनाथन कमेटी से नहीं आया था, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं कि फार्मर का सुसाइड करना, ठीक ना, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, कि एग्जाम्पल वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन लोग को इंश्योर करवाना जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाए, देन सेकेंड क्या इनडायरेक्टली एमएसपी के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकता है ना, इनडायरेक्टली क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। तो इकोनॉमी के हिसाब से आंसर मतलब नहीं सही है,
सा और वर्क करो, थोड़ा तो सा रीडिंग पे ध्यान दो। ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सबसे पहले ये बताना, इसने क्या मतलब अपने जो शायद ये भी है ठीक ना ऑनलाइन, तो गूगल का हेल्प लिया है खुद से लिखा ये चीज़? हेलो अच्छा ठीक है जो भी है, तो कोशिश करो ना कि मतलब बिना किसी और सोर्स का हेल्प के खुद खुद लिखो ठीक ना, क्योंकि मेनली क्या होता है अगर आप किसी सोर्स को पढ़ के फिर लिख रहे हो तो क्या हो रहा है कि वो जो थिंकिंग और रिकॉलिंग का प्रोसेस है ना वो नहीं हो पा रहा है ठीक है। और आंसर लिखते टाइम क्या जरूरी वही चीज़ है क्या कि आंसर लिखते टाइम आप थिंकिंग जो ऑलरेडी माइंड के अंदर आपने पढ़ा हुआ है उसको आप रिकॉल करो ठीक, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आपको यही चीज़ करना ही पड़ेगा। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कोई अलग बुक होगा या फिर गूगल होगा तो आप वहाँ सर्च करके फिर वहाँ से पढ़ के आप समझ के लिखो ठीक हो। तो कोशिश करो, तो वहाँ पे अगर ये चाहो कि अचानक से मैं जाऊँ और सब कुछ मैं वहाँ पे रिकॉल करके लिखना स्टार्ट कर दूँ वो पॉसिबल नहीं होता, ये भी एक प्रैक्टिस होता है जो पहले से डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश करना आंसर लिखते टाइम क्या कि बिना किसी सोर्स का ऑलरेडी जो माइंड के अंदर है उसी को मैं रिकॉल करके उसी को असेंबल करके पैसेज करके लिखूँ, भले ही कोई बात नहीं टाइम लगे कोई बात नहीं है, लेकिन वो रिकॉलिंग का प्रोसेस या आदत हो जाए माइंड के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली वही काम आएगा। देखते हैं, रेनफॉल इन इंडिया है happens mainly in monsoon season, sometime in summer or season due to presence of इतना in summer moves इतना इतना। अच्छा देखो इसने सब कुछ लिख दिया यहाँ पे ठीक है, काल वैसाखी सब कुछ लिख दिया ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा नहीं है क्या कि मानसून होने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसने विंड पैटर्न तो बनाया लेकिन तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर हमारा लो प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण मानसून भी इंडिया में इंटर करता है, तो वो चीज़ तो मिसिंग है। बाकी आप ITCZ ये सब नहीं भी लिखते हुए चलता, ये काल वैसाखी नहीं भी लिखते चलता, लेकिन जो प्राइमरी रीजन है इंडिया में बारिश होने का है मानसून आने का वो तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर जो बनता है लो प्रेशर वही है ठीक है, प्राइमरी रीजन वही है। इतना अरेबियन ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच होगा, यहाँ पे सी वर्ड छूट गया, यहाँ पे अरेबियन ब्रांच इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। इतना डिटेल में नहीं जाना है ठीक है, ज्योग्राफी ऑनर्स का मतलब ज्योग्राफी का ऑप्शनल पेपर नहीं है ठीक है, दो बना दिया अरेबियन सी ब्रांच और ये, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पैटर्न पूछ रहा है ठीक है। तो एक चीज़ समझना पड़ेगा ना, ये आंसर लिखना नॉर्मल जनरलाइज पेपर है ठीक है, ऑप्शन पेपर का आंसर नहीं है, इसलिए इतना टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, सिंपल सा लिखना था, पर ठीक है कोई बात नहीं। व्हाट आर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इज द मिनिमम प्राइस। अच्छा देखो बात यह, देखो यहाँ पर मिनिमम हो गया, यहाँ पर मिनिमम हो गया, तो क्या होता है मैंने क्या बताया था एक ही पैराग्राफ के अंदर या स्टार्टिंग लाइन में क्या होता है ना कि जो सेम वर्ड को रिपीट करने से बचो ठीक है, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे फ्लोर प्राइस या फिर फ्लोर प्राइस देने से अच्छा होता है, फ्लोर प्राइस का मतलब क्या होता है लाइक मिनिमम प्राइस, उसका मतलब मिनिमम प्राइस ही होता है ठीक है। तो एट विच गवर्नमेंट बाय फूड क्रॉप फ्रॉम द फार्मर्स दिस प्राइस इज डिसाइडेड बिफोर सोइंग ऑफ सीड, सोइंग सीजन लिखना काफी होता है उतना, कोई बात नहीं, कैबिनेट कमेटी ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर होता है शायद ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे ऐड कर देना क्योंकि ये जो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस है किसके अंदर में, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर है। एज पर नाउ गवर्नमेंट अनाउंस MSP फॉर होगा यहाँ पे, फॉर 23 क्रॉप्स इंक्लूडिंग, नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ पे क्रॉप का नाम लिखना था ना इंक्लूडिंग, ये सीजन का नाम लिख दिया तुमने, तो एग्रीकल्चर सीजन का नाम लिख दिया वो जो, तो यहाँ पे क्रॉप का नाम लिखना था लाइक वीट हो गया, राइस हो गया, कोकोनट हो गया ठीक है, कॉटन हो गया, ये सब का नाम लिखना था यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर सीजन का नाम लिख दिया तुमने। सेंटर टेक हेल्प ऑफ थ्री कॉस्ट, ये नहीं जरूरी था उतना ठीक है, यहाँ पे मेन क्वेश्चन का फोकस क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना था, स्टार्टिंग में तुमने तो दे दिया था। Sometime due to some external factor, price of food crop fluctuate. If price goes beyond production cost, then farmer has to face loss. Sorry. Sometime due to external factors, price of एक्सटर्नल फैक्टर क्या था, अगर देखो मेन यहाँ पे आपने मेंशन किया ना एक्सटर्नल फैक्टर, ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर, तो थोड़ा सा एग्जांपल भी दे दो कि वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या चीज़ है जिसके कारण की ये प्रॉब्लम होता है ठीक है, वरना कहीं ना कहीं आंसर का स्टेटमेंट आपका एक जनरलाइज सेंस लगेगा, थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन भी कर दो कि जो आप ऑब्जेक्टिव है वो चीज़, क्योंकि क्वेश्चन का मेन थीम ही ऑब्जेक्टिव,
एक बार एक्सटर्नल फैक्टर लिखने से काम नहीं चलेगा, तो उसको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल फैक्टर क्या चीज है। वो हाई मतलब हाई इंपोर्ट हो गया, या फिर हाई प्राइस हो गया, या फिर मतलब सरप्लस सप्लाई हो गया, ये ठीक है, तो मेंशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे फूड क्रॉप फ्लक्चुएट प्राइस गोज बियॉन्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे होने पे नहीं होता है ना, वो मार्केट प्राइस जब उसका बहुत कम हो जाता है जब तभी काम हो जाता है। तो ये थोड़ा वर्ड्स का थोड़ा ठीक कर लेना यहाँ पे बाद में। गुड सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसने ये नहीं पूछा है कि वेदर यू आर इन द सपोर्ट ऑफ एमएसपी और फिर ये अच्छा है कि नहीं है, ठीक नहीं। यस, इसने अच्छा बुरा नहीं पूछा, इसने क्या पूछा, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये लिखना है यहाँ पे कि एमएसपी इज अ गुड सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपका स्टैंड नहीं पूछा इसने कि ये अच्छा है कि बुरा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते क्या कि जैसे उन्होंने लिखा है ना यहाँ पे क्या, हाँ, व्हेन द प्राइस ऑफ व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द क्रॉप क्रैश और डिक्लाइन बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट देन एमएसपी वर्क इंश्योर द मिनिमम रिटर्न टू फार्मर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम रिटर्न इंश्योर करता है, ठीक। इस टाइप से थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इन सम सीजन अ पर्टिकुलर क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीजेस, सो एज प्रोडक्शन इंक्रीज डिमांड डिक्रीजेस। ये देखो यहाँ पे फिर ये टेक्निकली रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसका डिमांड घट जाएगा, डिमांड तो आपका सेम टू सेम रहता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि नेट सप्लाई इंक्रीजेस, ठीक है, नेट सप्लाई इंक्रीजेस लिख सकते थे हम लोग। तो डिमांड तो सेम रहेगा, जैसे मान लो कि अभी एग्जाम्पल सब लोग अभी मान लो कि आलू खा रहे एग्जाम्पल, ठीक है, पोटैटो खा रहे सब लोग, बट अचानक से मान लो विंटर का मौसम आया, पोटैटो का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब थोड़ी कि लोग जो पोटैटो खा रहे थे उनका डिमांड घट जाएगा, डिमांड तो सेम टू सेम रहेगा ना उनका तो, ठीक है। पर क्योंकि मार्केट के अंदर पोटैटो बहुत ज्यादा आ चुका है इसलिए उनका प्राइस घट जाएगा, पर डिमांड तो सेम टू सेम रहेगा। विच ऑल्सो लीड टू रिडक्शन इन प्राइस क्रॉप्स व एमएसपी व्हाइट सेफगार्ड टू फार्मर्स। ये दोनों लाइन मतलब दोनों पैराग्राफ जो है कहीं ना कहीं एक ही बात कह रहा है। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द फिक्स्ड मिनिमम प्राइस। देखो ये भी फिक्स्ड नहीं होता, ये फ्लक्चुएट करते रहता है हर बार, ठीक है। तो फिक्स्ड वर्ड ये थोड़ा स्ट्रिक्ट वर्ड हो जाता है, तो ये नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता है ये वर्ड, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द मिनिमम प्राइस पेड, वही रिपीटेशन ऑफ वर्ड दोबारा हो गया, मिनिमम मिनिमम प्राइस पेड बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर अगेंस्ट एनी शार्प फेल इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ना, देखो सही है, लेकिन देखो बात ये रहा ना कि एमएसपी जो होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जब प्रोडक्शन कॉस्ट से कमी होगा तभी मतलब एक तरह से मार्केट प्राइस गिरेगा एक पर्टिकुलर लिमिट से तभी एमएसपी गवर्नमेंट देगा। जैसे कुछ कुछ क्रॉप क्या होता है कि जैसे एफसीआई का जो वो होता है मतलब जो बाय वो करता है ना ओपन सेलिंग करता है, कि वहां पे भले ही मार्केट में मान लिया जाए कि अभी वीट जो है 1000 रुपीज मिल रहा है, ठीक है, बिक रहा है, ठीक है, और जो मतलब मान लिया कि जो फार्मर्स है उनको एमएसपी गवर्नमेंट ने बनाया कि नहीं मैं 900 दूंगा, ठीक, 900 दूंगा। तो क्या होता है, जरूरी नहीं कि हर फार्मर्स को मार्केट में जब नाइन अगर मान लो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है 1000 रुपीज एमएसपी का, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जब मार्केट प्राइस 1000 कम आएगा तभी लोग मतलब एमएसपी में जाके गवर्नमेंट को बेचेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि बहुत लोगों का क्या है कि उनका मार्केट दूर हो बट एमएसपी का जो सेंटर पास में हो, या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जहाँ पे खरीद रहा है एमएसपी वो पास में हो, वो लोग कम रेट पर एग्जाम्पल वहां पे बेच देंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब जब शार्प डिक्लाइन होगा तभी ये चीज होगा, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये ऑलवेज ओपन ऑप्शन होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एमएसपी पे कहीं खरीद रहा है मान लो गेहूं चावल, तो फार्मर जितना ले जाएगा उसको सबके सब खरीदना पड़ेगा, ये नहीं हुआ बोल सकता है कि नहीं भैया मार्केट में तो रेट अभी गिरा नहीं है तो आप यहाँ नहीं बेच सकते हो, मतलब ये ओपन फॉर ऑल सीजन ऑप्शन है, ना कि कोई फ्लड गेट टाइप का है कि मार्केट के अंदर प्राइस गिरेगा तभी ओपन होगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो, यस ठीक है। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, क्योंकि क्या होता है ना इंट्रोडक्शन, ये टेक्निकलिटीज इकोनॉमिक्स के आंसर के अंदर ज्योग्राफी के अंदर टेक्निकलिटीज जो टेक्निकल वर्ड्स होता है ना वो थोड़ा ठीक होना चाहिए डेफिनेशन।
ये सब सही है। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सही है। टू सपोर्ट फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल एंड टू प्रोक्योर, सही, ये सही है बिल्कुल, बट ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट MSP प्राइस ट्वाइस अ ईयर प्रायर टू सोइंग सीजन ऑफ क्रॉप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिश्नर फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप एंड प्राइसेस। एक आप ये हो जाता है डिसाइडेड, ठीक है, इट इज डिसाइडेड, वो हो जाता है कि कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, वो इंक्लूड हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट MSP ट्वाइस अ ईयर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बदले में यहाँ ये वर्ड हो जाता है ना कि कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर डिसाइड MSP ट्वाइस अ ईयर प्रायर टू सोइंग सीजन ऑफ क्रॉप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप एंड प्राइसेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सही है। वैसे गवर्नमेंट अनाउंस MSP फॉर 23 है अभी एट प्रेजेंट, तो मैंडेटेड क्रॉप्स प्राइस फॉर शुगर, हाँ सही है, 23 हो गया। द मैंडेटेड क्रॉप्स इंक्लूड खरीफ क्रॉप, अरे ये तो गड़बड़ कर दिया, देखो ये रबी खरीफ ये क्या क्रॉप साइकिल है ना, ये क्रॉप का नाम तो नहीं है ना, समझ में आ ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्रॉप साइकिल है कि रबी रबी सीजन है, खरीफ सीजन है, ठीक है, सीजन का नाम होता है ना कि क्रॉप का नाम होता है, ठीक है। जब आप यहाँ लिख रहे हो कि तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्रॉप का नाम लिखो पर्टिकुलरली, लाइक वीट हो गया, राइस हो गया, कोकोनट हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है। कमर्शियल क्रॉप्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिक्सिंग MSP आर टू सेफ गार्ड फार्मर फ्रॉम द प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, सही है ऑब्जेक्टिव। सेकेंड टू मोटिवेट फार्मर्स टू इन्वेस्ट मोर इन एग्रीकल्चर सेक्टर, सही है। टू इनहेंस प्रोडक्शन एंड देयर बाय फार्मर्स इनकम टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस क्रॉप इन ऑर्डर टू मेंटेन, सही है, हाँ ऑब्जेक्टिव इसका सही है सब कुछ। अब देख लेते हैं तो मानसून वाला, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड्स एंड रेनफॉल ओवर इंडिया इन द समर मानसून सीजन। Intense heating of the Tibetan plateau create low pressure over the Indian subcontinent. This low pressure area attracts monsoon wind from Indian Ocean. Monsoon wind while entering the Indian subcontinent bifurcate into two parts. One branch of monsoon hit Kerala coast and the other hits India, also known as Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. तो एक brief introduction मानसून क्या होता है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर main question क्या है, मानसून का pattern हम लोग को देखो, question में क्या पूछा है कि आपको क्या बताना है, question का theme क्या है कि आपको ये बताना है कि India के अंदर rainfall का pattern क्या है, वो बताना है, ठीक है, ना कि आपको मानसून का process बताना है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ तो यहाँ पे फोकस क्या है कि आपको बताना है रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन करना कि मानसून का प्रोसेस, ठीक है। जैसे इसने जो आंसर लिखा मतलब ठीक है, अच्छा अच्छा पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फोकस किस पे आ गया इसका कि मानसून पैटर्न, मतलब मानसून कैसे होता है उसके ऊपर ये बताने का कि विंड कहाँ से आता है, ठीक है, या मानसून क्या होता है वो नहीं होता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थीम था कि आपको बताना था उसका पैटर्न कि कहाँ कितना बारिश होता है, ठीक है। द वेस्टर्न घाट आर हाइयर एंड कंटिन्यूअस रेंज एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, देयरफॉर वेस्टर्न घाट एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल देन ईस्टर्न घाट, ये मैंने बता दिया क्या पैटर्न उसका, ठीक है, रेनफॉल के वेस्टर्न घाट में ज्यादा बारिश होता है ईस्टर्न घाट के कंपेयर में, क्यों होता है वो भी रीजन मैंने बता दिया। हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड देयर फॉर रेनफॉल ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, रेनफॉल डिक्रीज होता है, ये बता दिया मैंने यहाँ पे रीजन के साथ। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट आर मोर इन कर्नाटका एंड देयर फॉर मैक्सिमम रेनफॉल इन कर्नाटका, क्यों होता है वो भी ड्यू टू होना चाहिए, ड्यू टू कंटिन्यूस रेंज एंड हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट द ईस्टर्न साइड गेट एडिक्वेट रेनफॉल वाइल द ईस्टर्न पार्ट एक्सपीरियंस ड्रट लाइक कंडीशन, तो रेन शेड एरिया बन जाता है ईस्टर्न पार्ट में, इसलिए वेस्टर्न घाट के ईस्ट साइड में हमारा ज्यादा बारिश नहीं होता है, जो बारिश होता है वेस्ट में होता है, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है रेनफॉल का, वही बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद लोकेशन एंड हाइट ऑफ द अरावली रेंज फेल टू ऑब्स्ट्रक्ट मानसून विंड एंड देयरफॉर एरियाज वेस्ट ऑफ अरावली रेंज एक्सपीरियंस ड्रट एंड डेजर्ट लाइक कंडीशन, क्यों वहाँ पे बारिश नहीं होता है वही बता दिया मैंने, राजस्थान गुजरात के एरिया में, ठीक है। तो मेरा साउथ के मतलब केरला कर्नाटका गोवा मुंबई गुजरात राजस्थान कवर हो गया, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सपीरियंस हाई रेनफॉल ड्यू टू हाई मानसून रेंज एंड सीरीज ऑफ हिल्स, तो नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छा बारिश होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन जो रेंजेस है वो ज़्यादा हाई है मेरा, ठीक है, और माउंटेन सीरीज भी है, हिल का सीरीज भी, इसलिए वहाँ पे बारिश होता है, तो ये हो गया मेरा। अब रेनफॉल पैटर्न डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट से हमारा रेनफॉल होता है ज्यादा, वो धीरे धीरे वेस्ट में जब जाएंगे तो रेनफॉल पैटर्न डिक्रीज होने लगता है मेरा, ठीक है। फिर क्या होता है दिल्ली के आसपास का एरिया में क्या होता है, बोथ ब्रांचेस ऑफ मॉनसून मर्ज नियर दिल्ली एंड देयरफॉर
एरिया अराउंड दिल्ली एक्सपीरियंस हाई रेनफॉल। तो एक क्या था कि रेनफॉल पैटर्न इंडिया में कहाँ कितना रेनफॉल होता है वो मैंने बता दिया। ठीक, इसमें एक तो चीज और ऐड हो सकता था, एग्जाम्पल ले लद्दाख वाला केस, ठीक है, तो बट वर्ड लिमिट का इसलिए नहीं किया है। आगे ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड टेराइन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इन इंडिया रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम साउदर्न टू द नॉर्दर्न पार्ट एंड फ्रॉम ईस्टर्न टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो कुछ और ऐड हो सकता था बट जितना समझ में आया लिखा मैंने। तो आगे क्वेश्चन, वॉट आर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर द फ्लोर प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डिसाइडेड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड MSP ऑन 23 एग्रीकल्चर क्रॉप्स इंक्लूडिंग वीट, राइस, पल्सेस, कोकोनट, कॉटन एक्सेट्रा। ठीक, तो MSP का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन द मार्केट एक्सपीरियंस मोर सप्लाई देन डिमांड। एज अ रिजल्ट द मार्केट प्राइस ऑफ क्रॉप्स डिक्लाइन and farmers fail to earn an adequate return on crops. In this situation, MSP works as a safety net and ensure a good return. It is an important tool to fight against poverty in rural area. Over the decades, it helped in reducing poverty and improving the standard of living of farmers by protecting their dignity of life. एक ऑब्जेक्टिव ये होगा क्या 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 काम करता है। पहला तो क्या कि जब मार्केट प्राइस क्रैश होता है तो फार्मर्स को क्या करता है, एक एडिक्वेट रिटर्न प्रोवाइड करवाता है, एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसके बाद पॉवर्टी से लड़ने में हेल्पफुल है मेरा। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना इसका ऑब्जेक्टिव है, डिग्निटी ऑफ लाइफ प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड, MSP अनाउंस्ड मच बिफोर द सोइंग सीजन सो दैट फार्मर्स कुड गेट द आइडिया अबाउट द प्राइस एंड अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट। फार्मर जनरली लाइक टू ग्रो क्रॉप्स हैविंग हाई MSP एंड देयरफॉर through MSP, government could indirectly change or influence the cropping pattern. For example, the government decided to increase the production of pulses in the country, but the government cannot dictate farmers to grow any particular crops. In this situation, an increase in the MSP of pulses works as the incentive for the farmers to grow pulses. तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट जो क्रॉपिंग पैटर्न है या फिर वो भी इंश्योर कर सकता है। ठीक है, कैसे चेंज कर सकता है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। द पॉलिसी ऑफ MSP नॉट ओनली इंश्योर्स अ गुड रिटर्न फॉर फार्मर्स बट ऑल्सो वर्क्स एज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू इन्फ्लुएंस क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, तो गुड रिटर्न भी प्रोवाइड करवाता है। MSP का ऑब्जेक्टिव क्या है, गुड रिटर्न प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और प्लस एक क्रॉपिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करना या उसको सही करना। तो कोई क्वेश्चन?